वसई तालुक में कई स्कूल ऐसे हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन वो स्कूल सभी नियमों का उल्लंघन करके खतरनाक परिस्थितियों में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि शिक्षा अधिकारी ऐसे स्कूलों पर आके बंद किए हैं और विद्यार्थी अवैध इमारत में विकट परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। वसई तालुका में सरकारी मान्यता प्राप्त साई छाया मॉडर्न हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज सेंट पॉल्स हाई स्कूल, भारती एकेडमी इंग्लिश हाई स्कूल, सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल व अन्य कई स्कूल अवैध इमारत में चलाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अवैध इमारत में कैसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल को शुरू करने की अनुमति दी, जब इनके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई आधिकारिक इमारत नहीं थी, कोई फायर ऑडिट की सुविधा नहीं थी। केवल यही विद्यालय नहीं है बल्कि सैकड़ों विद्यालय वसई तालुका में अवैध इमारत में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वसई तालुका में 646 निजी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में लाखों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अवैध इमारत में चल रहे स्कूलों के बारे में समूह शिक्षा अधिकारी माधुरी पटोले ने बताया कि अवैध इमारतों में चलाए जा रहे विद्यालय पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है और उन स्कूलों की अनुमति उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा दी गई। यहाँ पे अनलीगल स्कूल के ऊपर बड़े पैमाने में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी स्कूल है जो अधिकृत है लेकिन वो इनलीगल जगह पे पढ़ा रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कोई कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया है। अगर कोई ऐसा केस हो तो उस पर तुरंत से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अनाधिकृत इमारतों में चल रहे स्कूलों के संबंध में वसई विरार शहर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल ने कहा है कि हम इमारतों या स्कूलों के सामने बोर्ड लगाएंगे जो अनाधिकृत है और MRTP के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो लीगल स्कूल है वो इनलीगल इमारत में बनाया जाता है, जो यहाँ पे इसलिए उनके संरक्षण में एक प्रॉब्लम हो रहा है विद्यार्थियों पे, क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ इलीगल बिल्डिंग में, अनधिकृत बिल्डिंग में, मगर अधिकृत स्कूल भराए जा रहे हैं, वहाँ वहाँ हम लोग सब स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाएंगे जिसमें इत्तिला दी जाएगी लोगों को कि ये जो बिल्डिंग है, ये इमारत है, ये अनधिकृत है, तो अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल ना करवाए। और साथ ही साथ हम MRTP एक्ट के अंदर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का शुरुआत कर रहे हैं। ये नगीनदास पाड़ा मोरेगांव रोड है, स्कूल के बाद सड़क पर भी भारी ट्रैफिक जाम है। ऐसे में किसी छात्र की जान लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने जहां स्कूल शुरू करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, वहीं ये स्कूल अनदेखी कर सुर्खियों में है। छात्रों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्था प्रबंधकों का पर्दाफाश करना जरूरी है। नाला सुपारा समय करावत की खास रिपोर्ट।